Hello everyone, this is Ashish Jain. This is a continuation video on set off and carry forward chapter. Students, हमने last video में in detail, in depth हमने discuss किया था कि set off chapter किसके लिए ज़रूरी है and set off chapter जो है इसका use हम कैसे और कब कब use कर सकते हैं. इसके लिए हमने तीन session discuss किए थे, section 70, section 71 एंड द थर्ड वन इज जो इसमें हमने पढ़ा था सेक्शन वेरियस. हमने सिक्स हमने सेक्शन पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि कैरी फॉरवर्ड हम जो है कैसे करते हैं. अब इस वीडियो में हाँ मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ टेबल. देखिए टेबल वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने लास्ट वीडियो को उसने अच्छे से पढ़ा होगा. एंड मैं आपको इसकी श्योरिटी देता हूँ कि जिसने अब तक जितना भी अच्छे से पढ़ लिया सेट ऑफ चैप्टर का एंड अगर वो एग्जाम में सिर्फ इस शीट को अगर पढ़ के भी जाएगा सिर्फ एक बार गो थ्रू एक नज़र मार देगा ना तो वो उसको सेट ऑफ चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने इन डेप्थ पढ़ा था कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और इसका यूज़ कैसे कैसे होता है. ठीक है, तो देखिए लेकिन लास्टली तो देखिए हमें इनकम टैक्स के प्रोविजन तो हमें लर्न ही करने हैं. अगर लर्न करना है तो हमें एक प्रॉपर जो है एक फॉर्मेट होना चाहिए जिससे हमारे दिमाग में पूरे पूरे जितने भी लाइक प्रोविजन है हमारे दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, तो देखिए ये एक टेबल है जिसमें मैंने आपको क्या लिखा है नेचर ऑफ इनकम कि अगर कोई भी नेचर ऑफ इनकम होगी क्या वो सेम सोर्स या अंडर सेम सोर्स अलाउड है. देन इन द नेक्स्ट कॉलम दैट सेम नेचर ऑफ इनकम इज अलाउड टू सेट ऑफ फ्रॉम इंटर सोर्स अंडर सेम हेड. Then after that, whether that same source of income is allowed to set off from interhead, and if it still there is some remaining amount from that particular assessment year, then whether it allowed to carry forward to the next assessment year. So ये हमें टेबल अच्छे से देखना है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपकी इनकम कौन सी है, सैलरी. हमने अच्छे से पढ़ा है कि सैलरी में तो कभी लॉस होता ही नहीं है, सैलरी में कभी लॉस होता ही नहीं है, तो फिर इसका सेटअप से मतलब ही नहीं है. जब अगर कोई सैलरी से हमें कोई लॉस ही नहीं हो रहा तो क्या इसे सेटअप कर सकते हो, नहीं कर सकते. सो बस इसमें सीधा आप लिखो नॉट एप्लीकेबल, दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कौन सी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी. क्या हाउस प्रॉपर्टी सेम सोर्स अंडर सेम हेड से सेट ऑफ करने के अलाउड है, जी हाँ है. फिर नेक्स्ट लिखा है क्या हाउस प्रॉपर्टी सेम हेड से इंटर सोर्स से अलाउड है. इंटर सोर्स इन द सेंस मींस अगर एक घर के दूसरे घर के लॉस से सेट ऑफ हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है. देन इंटर हेड, क्या हाउस प्रॉपर्टी इंटर हेड यानी कि डिफरेंट हेड से क्या सेटअप हो सकता है, क्या सबसे हो सकता है, जी हाँ सबसे हो सकता है. क्या पूरा अमाउंट हो सकता है, जी नहीं मैक्सिमम 2 लाख. ये हमने अच्छे से पढ़ा था. क्या हाउस प्रॉपर्टी अगर करंट असेसमेंट ईयर में अगर लेफ्ट आउट अमाउंट रह गया क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं. कब तक कर सकते हैं, टिल द नेक्स्ट 8 ईयर्स टिल द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स. ठीक है, अच्छा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद क्या इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं. कहाँ से कर सकते हैं, फ्रॉम वेयर कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड करने के बाद. मैंने आपको बताया था अच्छे से कहाँ से कर सकते हैं, ओनली सेम हेड. ठीक है, तो दिमाग में आप हमेशा ला लीजिए अगर कोई भी इनकम कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो 99% केस में वो हमेशा सेम हेड से ही सेटअप होगा. मैंने 1% क्यों नहीं बोला, मींस 100% क्यों नहीं बोला मैंने, क्योंकि एक सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पर नहीं होता, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा. बस इतना अभी तक आप इतना जान लीजिए कि कोई भी इनकम अगर कैरी फॉरवर्ड हुई तो अगर उसको सेटअप जब भी करना होगा तो वो सिर्फ सेम हेड से ही अलाउड होगा सेटअप करने के लिए, बाकी हेड से नहीं होगा. ठीक है,
नेक्स्ट इनकम इज पीजीबी इनकम। पीजीबी इनकम देखिए थ्री टाइप के यहाँ पर, नॉन स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव इनकम एंड स्पेसिफाइड इनकम। तो देखिए अगर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम है, नॉन स्पेकुलेटिव इन द सेंस अदर इनकम, अदर इनकम इन द सेंस नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम इन द सेंस अदर देन स्पेकुलेटिव एंड अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब है नॉर्मल बिजनेस इनकम। ओके, क्या नॉर्मल बिजनेस इनकम सेम हेड से, सेम सोर्स से अलाउड है? जी हाँ है। क्या इंटर या सोर्स अंडर सेम हेड से, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से सटा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या इंटर हेड से अलाउड है? जी हाँ अलाउड है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी। सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता है। आपको मैंने कल रिज्यूमे दिया था, क्योंकि अगर ऐसा गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया तो फिर जितने भी लाइक जो इन सैलरी इनकम पर्सन होंगे वो अपने अपने छोटा बिजनेस खोलेंगे और लॉस दिखाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट वे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि सैलरी इनकम पर्सन के लिए अगर कोई साइड बिजनेस और खोलेगा उसका लॉस हो जाए तो वो अपना बिजनेस से लॉस वो सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है, क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है? जी हाँ है। कब तक? सेम टिल 8 असेसमेंट ईयर्स। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। कहाँ से इसको सेटअप कर सकते हैं? सेम हेड। देन द नेक्स्ट इनकम इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस देखिए सेम हेड से अलाउड है? जी हाँ है। इंटर और इंटर सोर्स इंटर हेड से अलाउड है? जी नहीं, हमने सेक्शन 70 में पढ़ा था कि सेम हेड सेम सोर्स अलाउड है, से बाकी से अपने ही हेड से मतलब किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जब अपने सोर्स से नहीं होता वो बाकी हेड से भी नहीं हो सकता। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो बट ओनली टिल नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स। और अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ सेम हेड सेम सोर्स से ही अलाउड होगा। ठीक है, याद रखना अगर कोई भी इनकम कैरी फॉरवर्ड हो रही है और अगर उसको सेम हेड से अलाउ कर रहे हैं तो उसके वही सेक्शन 70 एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इनकम इज स्पेसिफाइड इनकम। सेम सोर्स सेम हेड से एप्लीकेबल है, अलाउड है? जी हाँ है। सेम सोर्स सेम अंडर इंटर सोर्स अंडर सेम हेड अलाउड है? जी नहीं। अब जब खुद से अलाउड नहीं है तो दूसरे के से भी अलाउड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड के लिए है अलाउड है? जी हाँ। कब तक? इन्फिनिटी, हमने अभी पढ़ा था स्पेसिफाइड इनकम का, इन्फिनिटी। ठीक है, एंड सेम, ठीक है, अच्छा सॉरी, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो है वो सॉरी सेम सोर्स से अलाउड होंगे। हाँ सेम सोर्स देना, एंड यहाँ पर भी सेम सोर्स ही आएगा, सेम सोर्स अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट इनकम इज कैपिटल गेन। आपको पता है कि पांच हेड होते हैं, पांच हेड में सिर्फ एक ये इनकम होती है जो सबसे अलग होती है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की होती है। तो ये तो आपको जैसे पता है, कल मैंने आपको बताया था कि ये इनकम जो है किसी दूसरे हेड से कभी सेट ऑफ ही नहीं हो सकती। ठीक है, प्लस हमने एक और पढ़ा था सेक्शन 70 में कि LTCG से सिर्फ LTCG के साथ सेटअप हो जाता है, यानी कि वो सेम सोर्स सेम हेड सेम सोर्स अलाउड है। ठीक है, दैट मीन्स इंटर सोर्स अलाउड नहीं हो, बट STCG सेम सोर्स से भी अलाउड है, इंटर सोर्स से भी अलाउड है, बट इंटर हेड से अलाउड नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो बैठे बैठे याद हो गया। तो देखिए STCG सेम सोर्स अंडर सेम हेड अलाउड है, इंटर सोर्स अंडर सेम हेड अलाउड है, इंटर हेड अलाउड नहीं है, 8 असेसमेंट ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड देन उसको हम सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं आफ्टर कैरी फॉरवर्ड। LTCG सेम सोर्स सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं बट इंटर सोर्स सेम हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। देन अगर वो खुद के में अलाउड नहीं होगा तो दूसरे हेड से भी अलाउड नहीं होगा।
सेम 8 असेसमेंट ईयर्स तक उसको सेटअप कर सकते हैं, एंड आफ्टर कैरी फॉरवर्ड वो सिर्फ और सिर्फ सेम सोर्स से ही सेटअप होगा। सेम सोर्स LTCG सिर्फ और सिर्फ LTCG के साथ ही सेटअप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनकम इज अदर सोर्सेज। फर्स्ट वन इज OMRH, दैट मीन्स ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स। सो देखिए ये सेम सोर्स सेम हेड्स अलाउड है, बट सेक्शन 70 हमने पढ़ा था एक्सेप्शन केस में कि ये इनकम जो है इंटर सोर्स सेम हेड से अलाउड नहीं होगा, देन इंटर हेड से भी ऑब्वियसली नहीं होगा, एंड इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टिल द नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स, एंड इट विल बी अलाउड टू सेट ऑफ आफ्टर कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम ओनली फ्रॉम सेम सोर्स। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम कार्ड्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, ठीक है, या ब्लैक मनी आगे आ गई, या डिविडेंड इनकम भी अराइज हो रही है, ठीक है। सो इन सब केसेस में तो जैसा सैलरी में ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा, नॉट एप्लीकेबल। यानी कि इनसे तो लॉस वैसे भी होने के चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मना करता है कि इनकम अराइज हो रही तो इसको तो लॉस एक तो वैसे सेटअप नहीं कर सकते, दूसरे को लॉस इसमें सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अदर्स। अदर्स इन द सेंस नेक्स्ट वन इज अदर्स, यानी कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में से OMRH हटाकर विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, विनिंग फ्रॉम लाइक हॉर्स रेस, डिविड इनकम, सब अदर इनकम हटाकर कौन सी इनकम बच गई? जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट अर्निंग फ्रॉम द डिविडेंड। अब आप खुद सोचिए क्या इनमें से कभी लॉस हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी बहुत कम रेयर 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 चांस है कि इसमें से लॉस हो जाए, बहुत रेयर है। इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको एक बिल्कुल ही एक्सेप्शन केस में इसको बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की है और आपने इसको 3 साल बाद बेच दिया। आपने मान लीजिए कोई डिबेंचर आपने परचेज किया है, ठीक है, एंड आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, एंड आपने इसको सेल ऑफ कर दिया। उसको सेल ऑफ करने में मान लीजिए आपको बहुत मतलब मान लीजिए कुछ ब्रोकरेज पेमेंट करनी पड़ी, या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा लग गया आपको, या फिर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट जो अर्न कर रहे हो उसको पाने के लिए जो है आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ रहा है, यानी जितनी आपको इनकम मिल रही है उससे ज़्यादा आपको खर्चा करना पड़ रहा है। यानी कि आपको सोचिए, देखिए सुनने में इतना रेयर केस लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अदर सोर्सेज में मतलब क्या, जो कि अदर रिमेनिंग इनकम जो रह गई दैट इज अदर देन OMRH एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ब्लैक मनी, या फिर कोई भी ऐसी मनी जो कि मतलब जिसमें इनकम लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो अदर्स इनकम इन द सेंस, जैसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसको इंटरेस्ट रिसीव करने में अगर आपका कोई खर्चा लग रहा है, एक्सपेंस इनकम कर रहे हो, विच इज़ एक्चुअली मोर देन दी अर्न इनकम, विच इज़ रेयरली 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 पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में देखिए गवर्नमेंट ने एक अलग नॉर्म्स बनाए हैं, गवर्नमेंट कि आप इस तरह के लॉस, अगर लॉस होता है तो इस तरह के लॉस आप सेम सोर्स सेम हेड से सेटअप कर सकते हो, इवन यू कैन सेट ऑफ फ्रॉम इंटर सोर्स अंडर सेम हेड, इवन यू कैन सेट अप फ्रॉम इंटर सोर्स और यू कैन से इंटर हेड, बट दिस कांट बी कैरी फॉरवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 99 पॉइंट केस में अगर कोई कैरी फॉरवर्ड होगा तो फिर वो इंटर सोर्स सेम सोर्स में जाके जो है वो सॉरी सेम हेड में ही इसको जो सेटअप होगा। लेकिन एक यही सेम केस है जहाँ पर जो सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पर लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रेयर रेयर केस है। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर एक्सेप्शन केस बना रखा है। वैसे अगर रीज़न देखा जाए तो ये है, और अभी ऊपर आपने जितने भी केसेस पढ़े क्या हमने इसके बारे में कोई ऐसी कुछ चर्चा आपने पढ़ी थी?
कोई एक्सेप्शन पॉइंट बना था जी? नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ने उस इसके लिए कोई सेक्शन ही नहीं बनाया, सेक्शन नहीं बनाया तो हम इसको यहाँ पर पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो ये था आपका एक टैबलेट फॉर्मेट में, ताकि आपको एग्जाम के लिए इजीली आपको अच्छे से याद हो जाए। अब हम पढ़ते हैं एक नया कंसेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। देखिए, इसका अगर आप देखा जाए तो आप इसको कभी अकाउंटिंग टर्म में भी इसका रियल मीनिंग नहीं पता होता कि वट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज टोटली रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। हाँ, तो आप इसको कभी कॉरपोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, ना ही इसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, कहीं नहीं पढ़ोगे, इसको सिर्फ और सिर्फ आप इनकम टैक्स में ही पढ़ पाओगे, बिकॉज अगर इसका असली मीनिंग जो है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड ही निकल पाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक असेसी है, वो बिजनेस कर रहा है, एंड सपोज उसकी जो सेल्स हुई है ऑन एनुअली बेसिस पे सपोज 70 लाख, देन अगर बिजनेस है दैट मीन्स देर इज सम एक्सपेंसेस ऑल्सो, दैट इज बिजनेस एक्सपेंसेस। सो हमने पीजी में पढ़ा था दैट द एसएससी कैन इज लायबल टू डिडक्ट ऑल द बिजनेस एक्सपेंसेस फ्रॉम द बिजनेस इनकम। ठीक है, वो हमने अच्छे से पढ़ा था। मान लीजिए उसकी कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस है सपोज अमाउंटिंग ₹30 लाख, दिस इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस। नाउ देर आर सम डेप्रिसिएशन ऑल्सो, देर आर सम डेप्रिसिएशन ऑल्सो एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट दैट इज 50 लाख, दैट इज 50 लाख। नाउ वट विल बी द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी? सो दिस विल बी आई गेस इन नेगेटिव, दैट इज अमाउंटिंग ₹10 लाख, दिस विल बी इन नेगेटिव विच इज कॉल्ड नेट लॉस। ठीक है, अब आप जरा एक बार इसको अच्छे और तरीके से दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे देखिए नॉर्मल अगर हम रियल लाइफ में अगर हम कभी लाइक वेन एवर वी गो फॉर शॉपिंग एंड वी नॉर्मली बार्गेनिंग, जब हम बार्गेन करते हैं सो वट काइंड ऑफ वर्ड्स वी एक्चुअली हर्ड फ्रॉम द शॉपकीपर? शॉपकीपर यूजली क्या बोलते हैं कि सर हमारा तो मार्जिन वैसे बहुत कम है, कॉस्ट नहीं निकलती, तो देखिए हम तो वैसे मार्जिन रखते हैं इससे नीचे 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 ही आएंगे। वो क्या बोलते हैं कि वही मान लीजिए ₹100 की कोई चीज़ होगी, बोलेंगे हमारा तो सर इसमें ₹5 का ही या ₹2 का मार्जिन है, इससे नीचे नहीं आएंगे, हमारे देखिए पूरी दुकान में खर्चा निकलता। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, वही लैंग्वेज गवर्नमेंट ने सरकार ने पकड़ रखी है कि ये लैंग्वेज ने गवर्नमेंट ने सरकार ने इसको क्या बिल्कुल मतलब जब शॉपकीपर ऐसे होते हैं तो सरकार ने इसको ना सीरियसली मान लिया। वैसे तो देखिए देखा जाए तो वो देखिए शॉपकीपर भोली वाली शक्ल बना के उसको लाइक मैनिपुलेट करता है कि हाँ एक्चुअली बेसिकली उसको जो है कॉस्ट रियली में उसको निकलने वाली, तो वो बोल दी देते कि हाँ नहीं भाई इससे नीचे तो बार्गेनिंग हो नहीं पाएगा। बट सरकार ने इस ऐसी लैंग्वेज को ना बड़ा इन्होंने सीरियसली ले लिया। जरा ध्यान से देखिए, मैंने जो स्टेटमेंट यहाँ बनाई है आप इसी को देखिए। ठीक है, टर्नओवर कितना हुआ 70 लाख का, बिजनेस एक्सपेंसेस 30 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन 50 लाख। ये जो डेप्रिसिएशन है क्या ये डेप्रिसिएशन इसी साल का है सर? मतलब क्या ये डेप्रिसिएशन किस पे होता है? फिक्स एसेट पे। क्या जरूरी है कि ये फिक्स एसेट इसी साल परचेज की हो? जी नहीं, हो सकता है लास्ट ईयर खरीदो, हो सकता है 10 साल पुरानी खरीदी हो, तो डेप्रिसिएशन तो उसको भी आता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ क्या बिजनेस एक्सपेंस आपने कैश में दिया कभी किसी को? नहीं, तो ये तो वो एक्सपेंस है, दैट मीन्स बेसिकली इट 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 इज नॉट कैश आउटफ्लो,
ये तो कैश आउटफ्लो है ही नहीं। कैश आउटफ्लो तो आपका ये हुआ ना जो आपने बिजनेस में खर्चे करें, ये हुआ आपका, तो ये आपका इनफ्लो हुआ, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सो देखा जाए तो कैश प्रॉफिट कितना हुआ, कैश प्रॉफिट अमाउंटिंग ₹40 लाख, 70 लाख लेस 30 लाख, आपको कैश प्रॉफिट तो 40 लाख हुआ ना भाई। 50 लाख तो आपके यहाँ से गए नहीं, वो तो आपने बस जबरदस्ती आपने लिखा उसको किया हुआ है पी एन एल में डेबिट, डेबिट किया हुआ है सर। लेकिन हमने पीजी भी पढ़ा हुआ है, डेबिशन तो हम पी एन एल में डेबिट कर सकते हैं ना, बिकॉज ये तो बिजनेस का भाई खर्चा माना जाता है, काउंट होता है। जी हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन तो आपके यहाँ से गए नहीं ना। ठीक है देखिए आप खुद सोचिए, यहाँ पर शॉपकीपर ने सोचिए, शॉपकीपर फ्रेंड सोचिए, शॉपकीपर बोलेगा कि भाई मेरे को टर्नओवर इतना का हुआ, इतना मेरा खर्चा हो गया, ठीक है अब इतना मैं डेप्रिसिएशन दिखा रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ, वो इस डेप्रिसिएशन का खर्चा निकाल नहीं पा रहा बेसिकली। देखा जाए आप देखा जाए उसको वैसे देखा जाए प्रॉफिट ही हो रहा है ना भाई, 70 लाख की सेल कर रहा है वो, और उसका रेगुलर जो जितना भी खर्चा है, रेगुलर जितना भी खर्चा है वो तो देखिए वो निकाल ही रहा है ना, डेली बेसिस जो खर्चा है वो देखा जाए तो ये डेप्रिसिएशन खर्चा नहीं निकल पा रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है बिकॉज दिस इज नॉट कैश आउटफ्लो। ठीक है सो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम हुई है पीजीबी से वो कितनी हुई है, 40 लाख। ठीक है लेकिन डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि भी उसको जो एसएससी जे वो टैक्स जो है 40 लाख पे देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है यहाँ पर उल्टा एसएससी को फायदा होने वाली बात है। फायदा क्या सर इसमें देखिए जरा ध्यान से, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ठीक है, तो उस केस में वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टिल इनफिनाइट ईयर्स। देखिए बहुत बड़ी बात है कि इनकम टैक्स एक्ट आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहा है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अनलिमिटेड टाइप हो। ठीक है सिमिलरली यहाँ पर और दो ऐसे खर्चे हैं बिजनेस रिलेटेड जो कि इनफिनाइट ईयर्स तक एलिजिबल हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हो। कौन कौन से हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। आपको याद होगा मैंने ये पॉइंट आपको पीजी भी पढ़ा था, यहाँ फैमिली प्लानिंग किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयज की बात हो रही है। ठीक है इन तीनों में ही कंसेप्ट जो है वो क्या होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इन्फिनाइट ईयर तक आप उसका जो है लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टिल इन्फिनाइट ईयर्स। ठीक है अच्छा इसमें एक और मजेदार वाली बात है, आप देखो ध्यान से देखते जाओगे आप, इन तीनों ही केस में एसएससी को एक और बेनिफिट मिल रहा है कि ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अब बता कैरी फॉरवर्ड के आपके बाद आप किससे सेटअप करते हो सर, ये भी कुछ पूछने वाली बात है, ये तो हम बस क्या कहते हैं इंट्रा हेड से सेटअप करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रा एज वेल एज इंटर हेड अलाउड है। अच्छा सर जी हाँ, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इंट्रा एंड इंटर हेड एज वेल। अच्छा लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना है, बस सैलरी से नहीं होगा क्योंकि पीजीबी पिन का है ना, पीजीबी पिन का है। ठीक है तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे फिगर्स हैं, मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस
नॉर्मल बिजनेस लॉस है। सपोज 1 लाख लॉस है, ठीक है, एंड अनएब्जॉर्ब भी दिया होगा आपको। मान लीजिए 1,50,000 ये भी आपको लॉस है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे आप एसएससी हो तो आप पहले कौन सा लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे ये 8 साल तक जो है कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और ये इनफाइनाइट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये इनफाइनाइट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो इनफाइनाइट तो अगर आप छोड़ दो, अगर आप इस साल भी छोड़ दोगे, क्या दिक्कत है? यहाँ पर तो लिमिट इसकी है ना, यहाँ पर तो लिमिट है, यहाँ तो 8 साल तक कर सकते हो। तो पहले आप सेटअप करोगे इसको, नॉन बिजनेस को, नॉर्मल बिजनेस लॉस है, पहले इसको सेटअप करो, बाद में इसको सेटअप करना। इसको तो आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये था आपका चैप्टर सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग एंड प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।